ठीक है, चलो कभी और मिलेंगे, बाय बाय। चलो चलो, हाँ यार, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हाँ यार, और अभी थोड़ी देर बाद आरती होने वाला है, और आरती जो है वो होगा सो गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज कीर्तन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज जन्माष्टमी है, सो सबको हैप्पी जन्माष्टमी। हमारे घर में भी आज छोटा मोटा एक प्रोग्राम होगा रात को। जन्माष्टमी जो है वो हम लोग रात का 12 बजे को सेलिब्रेट करते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ। और लाइक अभी का टाइम जो हो रहा है दैट इज 1 PM, मैं थोड़ा पूजा पाठ करके भी आ गया हूँ। अभी का सीन कुछ ऐसा है, मैं कर रहा हूँ एडिटिंग पीछे, वो रहा। और हम लोग शाम को जो है हमारा जो पूजा रूम है उसको हम लोग सजाएंगे दुजाएंगे, वहाँ पे कृष्णा भगवान का हम लोग बर्थडे मनाने वाले हैं। टाटा दो तो टाटा 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 मुख दिए बोलो, टाटा बोलो, टाटा बोलो, टाटा बोलो, बोलो टाटा है। बो बो ये ने बो, ये ने बो बो कार इधर, कार कार इधर कार। अच्छा मानो हम बाइक चल रही, कोई बाइक चल रही था कौन दिखे, देखा 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 बाइक चल रही था, दे जल्दी दे, कोई कोई। सो यहाँ पे हम लोग पूजा कर, मेरा बहन और मम्मी दोनों मिलके सजा रहे हैं, बहुत ही अच्छे बैलून से सजा रहे हैं। और यहाँ पे मानव भी बैलून से खेल रहा है, बैलून फट जाता है तो ये भी बेचारा डर जाता है। एंड नाउ इट्स टाइम टू बस्ट दिस बैलून, मानव ने कोई गेलो, कोई गेलो, कोई गेलो, कोई गेलो, कोई गेलो, ऊपरे ऊपरे नहीं तो कुत्ता है कोई ओदिके ओदिके नहीं कोई गेलो। ओ जी जी इटे 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 की इटा इटे की इटे की हैं इटे नहीं की बेलून ऊपर तक कैसे चे बेलून नाइस शेष। प्लीज गाइस, मैं इतना समय मानव के साथ कर रहा था मजाक, मैं जब बैलून फुला रहा था हम लोग जो एक ब्लोअर है वो बहुत ही ज्यादा आवाज करता है, उसका आवाज सुन के तो मानव पूरा रो ही दिया था, इतना समय रो रहा था वो बेचारा। अभी बैलून फटता है तब भी ये रोना शुरू कर देता है। और अभी मैं फिलहाल रेडी हो रहा हूँ, मेरा एक सब्सक्राइबर आ रहा है, उसके साथ छोटा मोटा एक चक्कर मार के आऊंगा। एनीवेज मेरा जो सब्सक्राइबर है वो आ गया है, मेरे घर के सामने आ गया है, तो अभी फिलहाल मैं निकल जाऊंगा। उस सब्सक्राइबर के साथ तो मैंने पहले आपको मिला ही दिया था, ध्रुवो जो है उसके साथ, तो उसका रॉयल एनफील्ड में मैं जाऊंगा और मोटो व्लॉग भी करूंगा। अरे तुम की हो जे आई तो देखते आए ने देख देखे जो। एनीवेज अभी मैं निकलता हूँ, आप लोग कुछ मोटो व्लॉग्स एंजॉय कीजिए। ध्रुवो ध्रुवो है ना तेरा नाम, ध्रुवो आ गया है, अभी मैं इसके साथ जाने वाला हूँ छोटा मोटा चक्कर मारने, ठीक है ना। आज ध्रुवो मेरा बाइक चलाने वाला है और मैं इसका एंड्रॉप चलाऊंगा, यही प्लान है ना आज का। रॉयल एनफील्ड क्यों नहीं लाया तूने? पापा लेके चला गया बाइक। पापा लेके चला गया, अच्छा। अभी मैं जस्ट घर से निकला, हाँ, निकल के बाइक देखा, बाइक नहीं मिला तो स्कूटी से आ गया। अच्छा चल रोंगपुर चलते सबसे पहले। तो यहाँ पे मुझे एक सब्सक्राइबर मिल गया है, कैसा हो भाई? मैं फ्रेंड है, मिलना चाहता है मुझसे, चलो आ जाओ बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, आराम से, आराम से बैठो, ठीक है ना, बैठे हो तो चलो। कहाँ है तुम लोग, तुम्हारा दोस्त सामने, चलो। थैंक्स आने के लिए। आने के लिए ओके चल वेलकम। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? वो चले गए, उनको कहाँ पर ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं, दोस्त लोग शर्मा गया ना कोई नहीं। तुम्हारा नाम क्या है? जुनेद। हाँ जुनेद, जुनेद यहीं पर ही रहते हो, चलो अच्छी बात है। कब से देख रहे हो मेरा वीडियो? जब से आपने स्टार्ट किया। जब से स्टार्ट किया तब से? हाँ। अच्छा चलो भाई, पूरा बिगिनिंग से ये मेरा वीडियो देख रहा है। एनीवेज मैं चलता हूँ अभी, हाँ मेरे को और भी जगह पे जाना है, ठीक है चलो कभी और मिलेंगे, बाय बाय। चलो चलो बाई।
लाइक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था ये लड़का, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। एक लोकेशन देखना है क्या? चल इस तरफ से घुस, मैं दिखाता हूँ। तो गाइस अभी मैं ध्रुवो को यहाँ का एक लोकेशन दिखाऊंगा। यहाँ से जो है छतरगढ़ ब्रिज पूरा क्लियरली दिखाई देता है। मुझे एक ही बात का डर है कि यहाँ का जो रास्ता जो है वो बहुत ही खराब हो सकता है। खराब हुआ तो हम लोग अंदर तक नहीं जाएंगे, वैसे पैदल ही जाना पड़ता है, बाइक लेके जाने का कोई स्कोप नहीं है। सो गाइज अभी हम लोग लोकेशन तक आ गए हैं, जाके देखते हैं कैसा क्या रास्ता रहता है। फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे बाइक पार्क कर देते हैं सबसे पहले। ओ मैं बोल रहा था रास्ता खराब हो सकता है, रास्ता खराब है, पॉसिबल नहीं है, शायद नहीं होगा। तो गाइज मैं बोल रहा था इसके बारे में, तो हम लोग जा नहीं सकते। चल सामने एक और जगह है, वहाँ से दिखा दूंगा तुझे। हम ब्रिज पे जाएंगे लेकिन एक और जगह मैं दिखा के लेके चलता हूँ। सेकंड जो स्पॉट है उसका सामने ही था, 100 meters के अंदर ही होगा। हम लोग आ गए हैं, चलते हैं। यहाँ पे तो जा सकेंगे, आराम से जा पाएंगे। ध्रुवो बोल रहा था कि उसने कुछ दिन पहले अपना एरिया एक्सप्लोर करवाया था भगतपुर, और आज मैं इसे अपना एरिया एक्सप्लोर करवा रहा हूँ। सही है ना? यहाँ पे भी कीचड़ ही है। ओ भाई साहब बहुत ज़्यादा स्लीपरी है भाई, और मैं तो ऊपर से हेलमेट पहन के। सो गाइस रिवीलिंग द लोकेशन, वहाँ पे आप छतरघाट ब्रिज देख सकते हैं। क्या खूबसूरत लग रहा है, कैसा लगा भाई अभी बता। मैं और क्या बोलूँ, मेरा मुँह से कुछ स्पीचलेस। ओहो हो, यहाँ पे आके जो बराक रिवर है ना, ये इस तरफ से आके यहाँ पे टर्निंग लेता है। तो आप लोग ब्रिज से देख ही सकते हो, ये वाला पार्ट कभी आए नहीं होंगे। एनीवेज अभी हम लोग निकलते हैं, सीधा चलते हैं रोंगपुर साइड। सो गाइस अभी हम लोग छतरघाट ब्रिज पे हैं, और ध्रुवो चलाएगा मेरा बाइक। धीरे धीरे खींचना है, धीरे स्लोली जाएंगे, और मैं चलाऊंगा ध्रुवो का एंटोर रेस एडिशन। ओ भाई मस्त पिकअप है, मस्त पिकअप है। तो रंगपुर पे हम लोग इस गली पे जा रहे हैं, पहली बार ही हम लोग इस गली पे घुस रहे हैं, जाके देखते हैं क्या सीन आता है। ओ भाई ये स्कूटी बहुत ही कंफर्टेबल है, 125cc का तो ये मुझे बेस्ट स्कूटी लगा भाई, बहुत ज्यादा ही कंफर्टेबल है ये। चलो हम लोग तो बहुत अंदर आ गए हैं, पर कोई सीन हमें नहीं मिला है, यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला है। चल यूटर्न ले लेते। सो गाइस यहाँ पे ज्यादा अच्छा सीन नहीं मिला तो हम लोगों ने यूटर्न ले लिया है, लेकिन ये बताऊंगा कि ये स्कूटी जो है ना बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, बहुत मजेदार है ये स्कूटी। सो गाइस एंटॉर्क बहुत चला लिया है, बहुत मजा आया भाई एंटॉर्क पे। और हम लोग थोड़ी देर पहले जो आए थे उस जगह पे थे, हम लोग उस जगह पे, तो अभी हम लोग ब्रिज पे आ गए। दोनों साइड का जो व्यू है मैंने आपको दिखा दिया है, एक बार ही कमेंट करके बताना कैसा लगा है, तुझे कैसा लगा वो वाला स्पॉट। वो वाला क्या बोलूं मैं, खतरनाक और कुछ बोलने का मतलब वर्ड नहीं है। चलो अभी निकल जाते घर के और चलते, चलो व्लॉग्स देखो। अच्छा कोई देखो डेली देखो व्लॉग्स। अच्छा ठीक है, चलो भल लग लो मिलिया, ठीक है वाला। हाँ यार थैंक यू सो मच। हाँ यार फाइनली मैं राइट से आ गया हूँ घर, और यहाँ पे पूजा रूम जो है वो पूरा डेकोरेट कर दिया है मेरे बहन और मम्मी ने मिलकर। कितना समय लगा डेकोरेट करने में? एक घंटे में डेकोरेट, और भगवान का ड्रेस वगैरह बहुत सुंदर लग रहा है। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी, वृंदावन में धूम मचावे बरसाने री छोरी, रज धाम राधा जी की रज। अभी रात का बजने वाला है 12, और 12 बजने से पहले हम लोग गोपाल को नहलाने वाले हैं। हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर कर दिया है, यहाँ पे हमारे पास है दूध, फिर घी, फिर हनी, फिर फ्रूट्स का जो जूस होता है वो सब। अभी हम लोग सारा ये सब चीजों से गोपाल को नहलाने वाले हैं, अभी हम लोग करते हैं। और यहाँ पे ऊपर आप कृष्ण भगवान को देखिए, राधा कृष्ण कितना खूबसूरत लग रहे हैं यहाँ। गोपाल को हम लोगों ने नहला दिया है, और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, दर्शन लीजिए एक बार गोपाल का कितना खूबसूरत लग रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद आरती होने वाला है, और आरती जो है वो होगा 12 बजे को, है ना मम्मी? 12 बजे को होगा। यहाँ पे राधा कृष्ण
एनीवेज मैं आरती आपको डायरेक्टली दिखाता हूँ। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। सो गाइस, जन्माष्टमी का सारा कार्यक्रम हो गया है खत्म और अभी फिलहाल मैं आ गया अपने रूम पे। मैं आपको एक गुड न्यूज देने वाला था पर अभी करंट चला गया है, तो वो गुड न्यूज मैं कल का व्लॉग में देता हूँ। आज के छोटे से व्लॉग में यहीं पे खत्म करता हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में। दिस इज केतन साइनिंग आउट फ्रॉम केपी व्लॉग।